हेलो स्टूडेंट्स दिस इज तनुश्री तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन देखो नीचे कुछ सर्कल्स के पिक्चर्स दिया हुआ है अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है राइट दी फ्रैक्शंस तो ये देख के हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस को लिखना है फिर क्या करना है आर ऑल दिस फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट तो जो फ्रैक्शंस हम लिखेंगे तो वो फ्रैक्शंस हमें देख के लिखना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है कि नहीं ठीक है तो फर्स्ट हमें समझना है इक्वीव फ्रैक्शंस क्या होता है देखो हम एक बार देख लेंगे देखो कुछ फ्रैक्शंस मानो वन अपॉन थ्री टू अपॉन सिक्स थ्री अपॉन नाइन ये कुछ फ्रैक्शंस है ठीक है तो इस फ्रैक्शंस को हम इक्वीवैलेंट फ्रैक्शन कब बोलेंगे देखो फ्रैक्शंस में क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग होता है है ना तीनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है पर अगर इसका वैल्यू इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो तो हम बोलेंगे ये तीनों फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो यही हमें यहाँ पे देखना है ठीक है तो हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट क्या करना है फर्स्ट करना है देखो फ्रैक्शंस लिखना है ये जो पिक्चर्स है ये देख के हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस को लिखना है अच्छा तो देखो फ्रैक्शन में क्या होता है फ्रैक्शन में नीचे होता है टोटल पार्ट और ऊपर होता है शेडेड वाला पार्ट है ना यहाँ पे शेडेड वाला पार्ट है तो ऊपर हो जाएगा शेडेड वाला पार्ट और नीचे हो जाएगा टोटल कितना पार्ट्स है ठीक है तो ऐसे हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं तो यहाँ पे देखो टोटल कितना पार्ट्स है यहाँ पे देखो दो पार्ट्स में दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो टोटल हो गया है दो पार्ट तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू नीचे हो जाएगा टोटल पार्ट्स टू और ऊपर हो जाएगा शेडेड वाला पार्ट तो शेडेड वाला पार्ट देखो एक पार्ट को शेड किया गया है तो ऊपर हो जाएगा शेडेड वाला पार्ट तो वन हो जाएगा है ना तो वन अपॉन टू मतलब टोटल टू पार्ट्स में से वन पार्ट शेडेड वाला है ऐसे ही हम फ्रैक्शन को लिखते हैं अभी देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो नीचे हो जाएगा टोटल पार्ट्स तो कितना टोटल पार्ट्स है देखो वन टू थ्री फोर फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो नीचे हो जाएगा टोटल फोर पार्ट्स और ऊपर हो जाएगा शेडेड वाला पार्ट तो कितना पार्ट है शेडेड वाला वन टू तो ऊपर हो जाएगा टू तो टू अपॉन फोर ठीक है फोर पार्ट्स में से टू पार्ट शेडेड वाला है ऐसे हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो अभी ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टोटल है सिक्स पार्ट्स ठीक है और ऊपर हो जाएगा शेडेड वाला पार्ट वन टू थ्री तो थ्री अपॉन सिक्स हो जाएगा और ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो टोटल एट पार्ट्स है तो एट पार्ट्स में से वन टू थ्री फोर फोर पार्ट्स शेडेड वाला है तो फोर अपॉन एट हो जाएगा अभी हमें क्या करना है अभी हमें देखना है ये जो फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है कि नहीं मतलब देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है पर इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू सेम होना चाहिए तो ही हम बोलेंगे इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो देखो सेम वैल्यू करने के लिए हमें क्या करना है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है ठीक है फ्रैक्शन का अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो फ़ोर फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है कि नहीं ठीक है अच्छा तो देखो फर्स्ट देखो यहाँ पे है वन अपॉन्ट टू तो इसका तो सिंपलेस्ट फॉर्म और हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वन अपॉइंट टू ही है होगा ठीक है इसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते है. अच्छा अभी देखो नेक्स्ट टू अपॉइंट फोर है तो सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकालेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें देखना है जो हम कैंसिल करते हैं ना सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड होना चाहिए अगर डिवाइड होता है तो वैसे ही हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना होता है अच्छा तो देखो टू अपॉइन्ट फोर है तो देखो ये टू से जाएगा ना डिवाइड जाएगा टू वन जा टू 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 ज़ा फोर है ना अगर यहाँ पे देखो टू अपॉइन्ट फोर है तो टू से डिवाइड होगा टू वन ज़ा टू 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 जै फोर है ना वन अपॉन्ट टू और नहीं जाएगा वन और टू ये तो और नहीं जाएगा डिवाइड तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन टू इसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा टू सिमिलरली हम इसको भी देखेंगे देखो थ्री अपॉन सिक्स है ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या देखना है हमें सेम नंबर से ये डिवाइड होता है कि नहीं हाँ ये भी होगा देखो टू से तो नहीं जाएगा तो थ्री से देखो हाँ थ्री से ये डिवाइड होगा थ्री वन जी और ये थ्री टू जिक्स है ना तो यहाँ पे भी हो जाएगा वन अपॉन टू तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे थ्री अपॉन सिक्स थ्री वन जा थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स ऐसे कर सकते हो वन अपॉन टू ठीक है अच्छा अभी नेक्स्ट देखो क्या है फोर अपॉन एट तो यहाँ पे देखो यहाँ पे टू से भी जाएगा है ना और फिर फोर से भी जाएगा हम डायरेक्ट कर सकते हैं फोर से भी डिवाइड जाएगा देखो फोर वन जो फोर फोर टू जा एट ईजी हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू ये भी हो जाएगा है ना फोर अपॉन एट देखो फोर वन जोर फोर टू है तो अभी देखो इसका जो वैल्यू है ये तो वन अपॉइंट टू ये सेम ही रहेगा इसका वैल्यू है one upon two, इसका वैल्यू वन अपॉइंट टू इसका वैल्यू है वन अपॉइंट टू तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू तो सेम है तो ये जो फ्रैक्शंस है इसको हम बोलेंगे इक्वी फ्रैक्शंस है ना तो देखो हाफ है यहाँ पे पिक्चर्स में भी देख सकते हो देखो टोटल दो पार्ट्स हैं दो पार्ट्स में से एक पार्ट शेडेड है है ना ये तो हाफ़ है हाफ देखो ये पिक्चर का हाफ देखो ये जो पिक्चर है ना इसका भी हाफ ही है देखो शेडेड वाला ये जो पिक्चर्स है ये पिक्चर्स का भी हाफ पोर्शन ही शेडेड वाला है इस पिक्चर्स का भी हाफ पोर्शन शेडेड वाला ही है तो पिक्चर्स देख के भी बोल सकते हो कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही है है ना हाफ पोर्शन शेडेड वाला है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे yes. देखो इसका आंसर आर ऑल दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट यस ऑल दिस फ्रैक्शंस ये जो सारा फ्रैक्शन है ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ठीक है आर इक्विवेलेंट ठीक है नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है ये जो पिक्चर्स दिया हुआ है इसको देख के फ्रैक्शंस लिखना है और देखना है कि वो फ्रैक्शंस इक्वल इन फ्रैक्शन है कि नहीं अच्छा तो फर्स्ट देखो हमें फ्रैक्शन लिखना है ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना सर्कल्स है तो टोटल कितना सर्कल है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो टोटल है ट्वेल्व तो नीचे हो जाएगा ट्वेल्व ठीक है और ऊपर हो जाएगा शेडेड वाला सर्कल है ना तो यहाँ पे कितना है वन टू थ्री फोर तो फोर सर्कल्स में शेड है तो ऊपर हो जाएगा फोर फोर अपॉन ट्वेल्व हो जाएगा तो इसको फ्रैक्शन में हम ऐसे लिखेंगे फोर अपॉन ट्वेल्व तो अभी देखना है ये अच्छा देखो टोटल कितना सर्कल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो टोटल है नाइन तो नीचे हो जाएगा नाइन और अभी ऊपर शेडेड वाला सर्कल वन टू थ्री तो थ्री अपॉन नाइन हो जाएगा अभी नेक्स्ट देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टोटल है सिक्स सर्कल्स तो सिक्स हो जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा शेडेड वाला वन टू तो टू अपॉन सिक्स अभी नेक्स्ट देखो वन टू थ्री तो टोटल है थ्री ठीक है थ्री सर्कल्स है इसमें से हमें क्या करना है शेडेड वाला देखो वन है शेडेड वाला तो वन हो जाएगा वन अपॉन थ्री अभी हम ये देखेंगे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन तो टोटल है फिफ्टीन सर्कल्स इसमें से शेडेड वाला है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स अपॉन फिफ्टीन ठीक है ऐसे हम फ्रैक्शंस को निकालेंगे अभी हमें देखना है कि ये इक्वीव फ्रैक्शंस है कि नहीं तो इसके लिए हमें क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म हमें लेकर आना है ठीक है इसका सिंपलेस्ट जो फॉर्म होगा अच्छा तो देखो फर्स्ट क्या है फोर अपॉन ट्वेल्व ठीक है तो फोर अपॉन ट्वेल्व को हम क्या कर सकते हैं देखो सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल होना चाहिए मतलब डिवाइड होना चाहिए तो देखो टू से ये जाएगा ना टू टू ज़ा फोर टू से डिवाइड होगा और ये भी होगा टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू और सिक्स होगा अभी क्या होगा अभी फिर से देखो टू से डिवाइड होगा टू वन ज़ा टू टू थ्री ज़ा सिक्स तो हो जाएगा वन अपॉन थ्री है ना और तो ये नहीं जाएगा तो वन अपॉन थ्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री ठीक है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा वन अपॉन थ्री अच्छा अभी हम इसको देखेंगे थ्री अपॉन नाइन तो थ्री अपॉन नाइन देखो थ्री अपॉन नाइन तो देखो ये टू से डिवाइड नहीं जाएगा तो ये थ्री से जाएगा थ्री वन जा थ्री 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 जा नाइन और नहीं जाएगा तो वन अपॉन थ्री ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री ठीक है अच्छा अभी हम नेक्स्ट देखेंगे टू अपॉन सिक्स तो इसको टू से डिवाइड करो ऊपर नीचे टू वन जर टू टू थ्री जर सिक्स तो वन अपॉन थ्री हो जाएगा तो ये भी वन अपॉन थ्री और इसको तो और चेंज करने की जरूरत नहीं है वन अपॉन थ्री है तो इसका वैल्यू वन अपॉन थ्री होगा ये और सिंपलेस uh, फॉर्म नहीं आएगा सिंपलेट फॉर्म में ये वन अपॉन थ्री होगा ठीक है अच्छा अभी हम लास्ट वाला देखेंगे सिक्स अपॉन फिफ्टीन देखो ये टू से डिवाइड जाएगा पर नीचे ये टू से डिवाइड नहीं जाएगा तो सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए तो थ्री से जाएगा देखो थ्री टू जिक्स थ्री फाइव जो फिफ्टीन अभी टू ऊपर है और नीचे फाइव है ये और तो नहीं जाएगा सेम नंबर से टू और फाइव है ना तो ये हो जाएगा टू अपॉन फाइव तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा टू अपॉन फाइव ठीक है तो अभी देखो अभी देखना है कि ऑल फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम है कि नहीं देखो ये है सेम ये है ये है ये है ये चारों सेम है पर ये तो सेम नहीं है टू अपॉन फाइव तो ऑल फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं होगा ठीक है तो इसका आंसर होगा तो हम लिखेंगे आंसर में नो ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है सब फ्रैक्शंस का तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं होगा तो ये था एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट वन और पार्ट टू की जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा